फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ डिनर में शाही पनीर। मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ गरम मसाले डालेंगे। गरम मसाले में छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और थोड़ा ज़ीरा है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा अदरक, थोड़ा लहसुन, हम थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे। आज का मौसम बहुत अच्छा था। आज बारिश हुई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा कुछ अलग ही बना देती हूँ। मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये कढ़ाई पनीर, मुझे भी पसंद है। अदरक लहसुन को थोड़ा ब्राउन करेंगे हम। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हम थोड़ा पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम इस प्याज को पका के रखेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे, इसका कच्चापन निकल जाएगा। जो थोड़ा सा प्याज हमारा थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये मैंने दो बड़े प्याज काटे हैं। हमारा प्याज थोड़ा ब्राउन हो रहा है। हम इसको कब पकाएंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए। प्याज हमारा थोड़ा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो। पाँच मिनट इसको पकाएंगे और टमाटर को गलाने के लिए हम इसमें डाल देंगे नमक। इसमें हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे जिससे कि टमाटर हमारा गल जाए। हमारा टमाटर गल जाएगा तो इसको हम लेके इसका हम पेस्ट बनाएंगे।
और हमारा गल रहा है। टमाटर हमारा तल गया है, अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे।